दोस्तों आईपीएल 2021 की मिनी ऑक्शन के बाद लगभग सभी टीमों का 25 प्लेयर्स का स्क्वाड कंप्लीट हो चुकी है और टीमों ने आईपीएल 2021 के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज भी शुरू कर चुकी है। तो दोस्तों केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस साल की नीलामी से शकीब अल हसन, बेन कटिंग, हरभजन सिंह, करुण नायर जैसे 8 प्लेयर्स खरीद के 25 प्लेयर्स का फुल स्क्वाड तैयार करके बैठी हुई है और केकेआर फैंस टीम की प्लेइंग 11 जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तो केकेआर टीम की फुल स्क्वाड और नए प्लेयर्स के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो आप चाहे तो ऊपर आई बटन में चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं केकेआर टीम की आईपीएल 21 के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में बताने वाला हूँ, कौन से प्लेयर्स को प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा उसके बारे में फुल डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप केकेआर टीम के फैन है और इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो तो वीडियो को अभी एक लाइक के साथ अंत तक जरूर देखिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बढ़िया ऐप और वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं, जो कि है 24club.com, जहां पर आप गेम्स खेलकर आसानी से हजारों रुपए कमा सकते हो। जी हां दोस्तों, इस ऐप पर आपको क्रिकेट, लाइव कैसिनो, टेबल गेम, तीन पत्ती, विंगो, रमी जैसे काफी सारे गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। और आपको बता दूं 24club ऐप पर फर्स्ट डिपॉजिट करने पर 100% कैश बोनस मिलता है, यानी कि अगर आप 500 रुपए तक जमा करते हो तो आपको 500 रुपए का कैश बोनस भी मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करते ही आपको 100 रुपए का फ्री रजिस्ट्रेशन बोनस भी मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं सलामी बल्लेबाजों को लेकर। तो केकेआर टीम ने आईपीएल 2020 में काफी सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर चुकी है। कुछ मैचों में शुभमन गिल के साथ सुनील नारायण को भेजा गया था, कुछ मैचों में राहुल त्रिपाठी को और कुछ मैचों में नीतीश राणा को। तो ज्यादातर मैचों में एक साइड में शुभमन गिल को ही मौका मिला था। तो इस साल भी केकेआर के पास काफी सारा कॉम्बिनेशन मौजूद है, लेकिन सबसे पहले शुभमन गिल को ही प्रेफर करेगा। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल के साथ सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहने वाला है वो है टीम सेफर्ट। लेकिन दोस्तों टीम सेफर्ट को हर मैच में नहीं खिलाया जा सकता है, तो भारतीय प्लेयर के रूप में राहुल त्रिपाठी या तो करुण नायर को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 3 पर सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहेगा वो है नीतीश राणा। जी हाँ दोस्तों, नीतीश राणा के लिए नंबर 3 बढ़िया और आइडियल पोजीशन है। 2020 में कुछ मैचों में ओपनिंग भी किए थे लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं दिखे, तो नंबर 3 या तो नंबर 4 उनके लिए परफेक्ट स्पॉट होने वाला है। नेक्स्ट नंबर 4 का पोजीशन कप्तान ओएन मर्गन के लिए फिक्स कर देना चाहिए। दोस्तों आईपीएल 2020 में ओएन मर्गन को मैच के हिसाब से भेजा गया था, लेकिन परफेक्ट स्पॉट उनका नंबर 4 ही है, तो केकेआर उनको शायद ज्यादातर मैचों में इस साल नंबर 4 में ही भेजने वाले हैं। उसके बाद नंबर 5 पर होंगे खतरनाक ऑलराउंडर रसेल मसल। दोस्तों अंदर रसेल को आईपीएल 2020 में उतना बढ़िया फॉर्म में देखने को नहीं मिला था, काफी सारे मैचों में चोट को लेकर प्रॉब्लम में दिखे। पर दोस्तों आपको बता दूं, इस साल आंदे रसेल अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस है और बहुत दिनों से फिटनेस कैंप, जिम वगैरह शुरू कर चुका है। आईपीएल को ध्यान में रखते हुए अबू धाबी T10 लीग नहीं खेलने का डिसीजन लिया है, उसी से पता चलता है केकेआर टीम को लेकर कितना ज्यादा एक्साइटेड है। तो आंदे रसेल अगर पूरी तरीके से फिट रहते हैं तो हर मैच में खेलने वाले हैं, लेकिन उनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 6 पर 2 ऑप्शन मौजूद है, जो कि है सुनील नारायण और शकीब अल हसन। काफी कंफ्यूजिंग चॉइस होने वाला है, दोनों ही बढ़िया स्पिन गेंदबाज है, लेकिन बल्लेबाजी की बात आने पर शकीब अल हसन आगे रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए प्लेइंग 11 में शुरू से शकीब को टेस्ट करना चाहिए। अगर उनको प्लेइंग 11 में खिलाते हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। तो उसके बाद नंबर 7 पर होंगे विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक। दोस्तों केकेआर के पास इस साल सिर्फ 3 विकेटकीपर मौजूद है, दिनेश कार्तिक, शेल्डन जैक्सन और टीम सेफर्ट। तो जैक्सन और सेफर्ट को ज्यादा मैचों में मौका नहीं मिलेगा, तो दिनेश कार्तिक को ज्यादा से ज्यादा मैचों में खिलाया जाएगा। अब दोस्तों नंबर 8 पर होंगे नो डाउट पैट कमिंस। सिर्फ गेंदबाजी नहीं, आईपीएल 2020 में काफी सारे मैचों में शानदार बल्लेबाजी भी उनसे देखने को मिला था, तो इसीलिए भी केकेआर की टीम ज्यादातर मैचों में इस साल उनको एज ए ऑलराउंडर खिलाने वाले हैं। उसके बाद नंबर 9 पर होंगे शिवम मबी। युवा गेंदबाज है लेकिन पावर प्ले में अच्छा खासा स्विंग के साथ गेंदबाजी करते हैं। केकेआर टीम में एक्सपीरियंस भारतीय तेज गेंदबाज तो इस साल मौजूद नहीं है, तो केकेआर को नंबर 9 में शिवम मबी, नगरकोटी या तो प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर 10 का स्पॉट वरुण चक्रवर्ती के लिए फिक्स्ड है। आईपीएल 2020 में केकेआर टीम की अगर किसी प्लेयर ने हर मैच में बढ़िया परफॉर्म किया था तो वह है वरुण चक्रवर्ती। टीम मैच जीते या फिर मैच हारे उनसे बढ़िया गेंदबाजी ही देखने को मिला था, तो ये स्पिन गेंदबाज को केकेआर की ज्यादा से ज्यादा मैचों की प्लेइंग 11 में देखने को मिलेगा।
और दोस्तों आखिरी जो प्लेयर रहने वाला है वो पिच के हिसाब से खिलाया जाएगा। अगर टीम तीन स्पिन गेंदबाजों के साथ जाना चाहेगी तो कुलदीप या तो हरभजन सिंह को मौका मिलेगा, लेकिन अगर तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहेगी तो तब कमलेश नगरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा, संदीप वाड़ियार या तो वैभव अरोड़ा में से किसी एक प्लेयर को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है केकेआर टीम की आईपीएल 21 के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आप नीचे आपका प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।